सो वेलकम बैक टू स्मार्ट सॉल्यूशन। आज हम दिखाएंगे CP+ का वाईफाई कैमरा, जो कि आपके मोबाइल के ऊपर आपको लाइव स्क्रीनिंग दिखाता है, वॉइस कमांड भी आप कर सकते हैं। तो अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, अमेजोन से हम लोगों ने ये प्रोडक्ट मंगाया है। 4000 मात्र इसका MRP, बट अपने को ये 2000 रुपये में मिल जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट दिखाई देता है, डिज़ाइन लुक और इसका जो स्टडीनेस है काफ़ी अच्छा है। ईजी कैम जो एप्लीकेशन है इसके साथ आता है, वो भी आपको डाउनलोड करना है। तो इसके अंदर काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स है जो हम लोग आपको एक एक करके बताएंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप उसका लाइव स्क्रीनिंग देख सकते हैं। ये आप होम या छोटे शॉप में यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 3 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल कैमरा आता है, 360 व्यू आता है, मोशन डिटेक्शन अलर्ट आता है, मोशन ट्रैकिंग आती है, प्राइवेसी मोड है और IR लाइट नाइट मोड में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल्स ऑप्शन है और इसका जो है प्राइस 4000 मात्र है। और इस तरीके से आपको इसका QR कोड मिलता है, जिसके थ्रू आप इसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और देखिए, अब हम लोग इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, फाइनली ये प्रोडक्ट खुलने जा रहा है। इसके पहले भी इसके बहुत सारे वीडियोस आए हुए हैं, तो हम लोग इसका स्पेशली अभी मंगा के एक वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आपको एक छोटा बॉक्स मिलेगा, उसके अंदर आपको देखते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको मिलता है एक पावर अडैप्टर, पावर केबल और एक स्टैंड मिलता है, जो आप वॉल माउंटिंग स्टैंड कह सकते हैं इसको। स्क्रू मिलते हैं आपको इसके साथ, और एक बॉक्स रहेगा जिसके अंदर आपको कैमरा मिलता है। तो इसके अंदर आपको ये इतनी सारी चीज़ें मिलती है। बाकी इसके अंदर जो चीज़ नहीं मिलती है वो है आपका SD कार्ड, जो इन लोगों ने प्रोवाइड करना चाहिए था, बट ठीक है, आप मार्केट से लेके भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके सा ज़बरदस्त लुक के साथ ये कैमरा आता है। और इसके अंदर लैन पोर्ट है, रीसेट बटन है, पावर स्विच है, पावर कनेक्टर है, और इस तरीके से कनेक्टर यहाँ पे केबल कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, इसको चालू कर सकते हो। तो देखिए, इसके नीचे एक SD कार्ड माउंटिंग स्लॉट दिया हुआ है, तो इसके अंदर आप SD कार्ड भी लगा सकते हो। तो अभी फर्दर डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको ईजी कैम को डालने के लिए वहाँ आपको प्रेस करना है, आपको टाइप करना है ईजी कैम। और ईजी कैम जैसे आप वहाँ पे टाइप करोगे, आपको एक एप्लीकेशन दिखेगी, उसको लोगो से मैच करिए। आपके बॉक्स पे जो लोगो है उसी तरीके का लोगो है, नहीं तो दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं लोग। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को, और ये प्रोसेस आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना फास्ट आपका इंटरनेट है, तो उतने फास्ट आपकी ये डाउनलोड हो जाएगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी आपके एंड्रॉयड फ़ोन में। तो उसके बाद आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियलाइज हो रहा है वो सेटिंग उसका। तो सेटिंग इनिशियलाइज होने तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइबर की बारिश होनी चाहिए इस बार। बहुत सारे लोग जो है कंजूसी करते हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये देखिए, अभी ये जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो चुकी है। तो अभी फर्दर प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। ईजी कैम को आपको ओपन करना है, एक्सेप्ट करना है, साइन अप पे क्लिक करना है, इंडिया सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका कंट्री, अगर आउटसाइड कंट्री रहोगे तो आपको अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ईमेल आईडी आपका प्रेस करना है, टाइप करके आपको एक वेरिफिकेशन कोड आता है, वो वेरिफिकेशन कोड आपको वहाँ पे एंटर करना है। तो जस्ट आपका ये जो है एप्लीकेशन रन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गेट वेरिफिकेशन कोड कन्फर्म यस, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे किया था, इसके लिए मुझे उन्होंने मैसेज दिया कि आप ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर हो। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने फिर से एंटर किया यहाँ पे। वेरिफिकेशन कोड जो है आपके ईमेल अकाउंट पे आ जाता है, जस्ट आपको ईमेल अकाउंट ओपन करना है। वहाँ पे आप ईमेल आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ईजी कैम में जाएंगे और आपको एक एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन कोड आएगा, जहाँ से आप उसको एंटर करेंगे। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली एंटर, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखाई देगा, यहाँ पे आपके मॉडल को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे मॉडल है CP+ के, और यहाँ पे आपका जो है 2.4 GHz का वाईफाई कनेक्टर है, तो
उसका पासवर्ड आपको एंटर करना है उसको सेलेक्ट करने के लिए। उसके लिए दो प्रोसेस है, एक तो आप बाहर से भी कर सकते हैं या फिर इसको क्लोज करके आप प्लस साइन राइट हैंड साइड में टॉप में एक प्लस साइन दिया हुआ है, ये देखिए इसको बैक करते हैं, यहाँ पे अप साइड में प्लस साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और डिवाइस सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक हो गया, लोकेशन कंफर्म करना है और यहाँ से आपको करना है डिवाइस सिलेक्ट। डिवाइस सिलेक्ट करने के बाद स्टेप नेक्स्ट करना है, फिर आपका नाम आ जाएगा आपके वाईफाई का, यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालते ही आप यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा, उसको कंफर्म करना है। ये क्यूआर कोड आएगा, ये क्यूआर कोड आपको आपके कैमरा के सामने, कैमरा को ऑन करने के बाद उसके सामने आपको 15 से 20 सेंटीमीटर से आपको इस क्यूआर को स्कैन करना है थ्रू आपके कैमरा और आपको ये लाइव रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।